हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रॉग के बारे में जानने के लिए ट्राई करेंगे। और ये जो फ्रॉग के बारे में मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ, बेसिकली ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रॉग्स का जो करेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सी जगह पे ये अपना हैबिटेट बनाता है, ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसका जो पहला पॉइंट है आपका ये है कि ये बोल रहा है कि सेंटेंस फ्रॉग्स कैन लीव बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर, मीन्स ये जो फ्रॉग है आपका, ये लैंड एरिया में भी रहता है एंड फ्रेश वाटर में भी रहता है। अभी फ्रेश वाटर क्या है आपका, जो लोकल एरिया में आपका जो वाटर रहता है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल पॉन्ड वाटर, ठीक है, बिल्स का जो वाटर होता है, ठीक है, वो रिवर्स का जो वाटर होता है, इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स ये आपका सी वाटर नहीं होता है। सी वाटर आपका क्या होता है, सी वाटर में आपका सॉल्ट्स, ऑक्सीजन डिजोल्व सॉल्ट्स रहता है, सॉल्टी होता है, लेकिन फ्रेश वाटर ये सॉल्टी नहीं होता है। ये लोकल एरिया में, जितना पॉन्ड एरिया में रहता है, बिल्स में रहता है और रिवर्स में रहता है, ये होगा आपका फ्रेश वाटर। दैट मीन्स ये आपका क्या है, बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर में रहता है। पहला करेक्टरिस्टिक ये है। इसका दूसरा पॉइंट है आपका क्या है कि दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, कि फ्रॉक्स का फाइलम क्या है आपका, कॉर्डेटा में पड़ता है, और इसका क्लास क्या होगा, एम्फीबिया होगा। और क्लास एंड फाइलम के बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा पहले ही चैप्टर में, क्लास क्या है और फाइलम क्या है। तो तीसरा पॉइंट है आपका, इसका जो साइंटिफिक नेम है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम जो इंडिया में जो मिलता है, ठीक है, इंडिया का फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होगा आपका राना टाइग्रिन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग विच आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। ये फ्रॉग्स के बारे में और भी मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ, एक और पॉइंट है कि फ्रॉग्स आपका क्या होता है, ज़्यादातर आपका नॉक्टर्नल स्पीशीज, मीन्स मेजोरिटी ऑफ फ्रॉग्स आर नॉक्टर्नल स्पीशीज। नॉक्टर्नल का मीनिंग ये है कि दोज स्पीशीज दे हैव द एबिलिटी टू सी इन नाइट टाइम, जो रात में दिखाई देता है, जिस एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को रात में दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यह नॉक्टर्नल स्पीशीज है, फ्रॉग्स के लिए रात का टाइम बेहतर होता है, ज़्यादा ही बेहतर होता है, क्योंकि इसका जो खाने के लिए जो खाना खाता है आपका, ज़्यादातर इंसेक्ट्स खाता है, तो रात में फ्रॉक्स के लिए बेस्ट टाइम होता है अपना खाना को ढूंढने के लिए, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉक्टर्नल स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या है, दे आर पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स, पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स, सो ब्रैकेट में दिया गया है कि दोज एनिमल्स चेंजेस देयर बॉडी टेम्परेचर विद द चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। दैट मीन्स ये जो पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स है, ये अपना क्या होता है, इसका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, दैट मीन्स इसका बॉडी टेम्परेचर चेंजेस होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, अभी समझ में आ गया। जो नेक्स्ट पॉइंट है, मिमिक्री ऑफ द फ्रॉग, अभी सिंपली हम लोग समझते हैं कि मिमिक्री का मीनिंग क्या होता है, अगर क्या होता है, एक स्कूल में कोई एक स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट्स के तरह अगर सेम टू सेम क्या करता है, एक्टिंग करता है, उसको हम मिमिक्री करते हैं। सपोज़ फिल्म एक्टर, जितना सारा फिल्म एक्टर है, बहुत सारा आजकल आदमी है कि फिल्म एक्टर के जैसा सेम टू सेम एक्टिंग करता है, तो ये हम लोग का सिंपल मीनिंग है कि ये आपका मिमिक्री है। तो मिमिक्री ऑफ फ्रॉग का मीनिंग क्या है, फ्रॉग्स में कैसे मिमिक्री दिखाई देता है, ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रॉग्स हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर बॉडी कलर बोथ इन ग्रासेस एंड ड्राई लैंड्स ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। फ्रॉग्स अपना मिमिक्री कैसे करता है, फ्रॉग्स का जो बॉडी का कलर है, ये आपका क्या होता है, चेंजेस होता रहता है
ग्रासेस में अलग कलर होगा, ड्राई लेंस में अलग कलर होगा। ये अपना कलर क्यों चेंज करता रहता है? ये अपना कलर इसीलिए चेंज करता है, ये अपना एनिमी से बचने के लिए अपना कलर चेंज करता है। जिस जगह में रहता है उसी जगह में क्या करता है आपका, उसी जगह की तरह अपना कलर सेम टू सेम करता है, कर लेता है। ठीक है, तो ये अपना कलर इसीलिए चेंज करता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कि किससे कोई एनिमी इसको अटैक ना करे। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए जिस जगह में रहता है उसी जगह का कलर ले लेता है। सपोज़ ग्रास में रहता है तो ग्रास का कलर लेता है, ड्राई लैंड में रहता है तो ड्राई लैंड का कलर ले लेता है। तो इसको पकड़ने के लिए दिक्कत होता है एनिमीज़ को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम लोग कलर का जो प्रोसेस है, कलर चेंजिंग का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मिमिक्री बोलेंगे। यही बोल रहा है कि दिस प्रोटेक्टिंग कलरेशन इज कॉल्ड एज द मिमिक्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट बोल रहा है कि दे शो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी एस्टिवेशन क्या है एंड हाइबरनेशन क्या है, चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉक्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। कि फ्रॉक्स जो होता है ये आपका क्या होता है, ज़्यादातर गर्मी में और ज़्यादातर ठंडी सीज़न में नहीं दिखाई देता है ज़्यादातर इन लोगों को। ठीक है, तो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी में क्यों नहीं दिखाई देता है? ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बैरोज और लुकिंग फॉर वार्म प्लेसेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड कंडीशन। ठीक है, जो ये क्या होता है, ये जो फ्रॉक्स होता है ये क्या बोल रहा है आपका, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर। क्या होता है, अगर ज़्यादा गर्मी होता है, गर्मी कंडीशन होता है, ज़्यादा गर्मी में ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता है। इसलिए क्या होता है, ज़्यादा गर्मी में ये अपने आप को किसी शेडी प्लेस में अपने आप को अपना हैबिटेट बना लेता है जब तक ये गर्मी कम ना हो जाए। फिर ज़्यादा ठंडी में भी ये अपने आप को क्या है, उसी कंडीशन से कोप अप नहीं कर पाता है। तो ज़्यादा ठंडे से बचने के लिए ये अपने आप को किसी एक सेफ़ जगह में, किसी एक ज़्यादा ठंडे से बचने के लिए किसी ओपन प्लेस में जाकर, वार्मर प्लेस में जाकर अपने आप को क्या करता है, डिफेंड करता है वहाँ से बचने के लिए। दैट्स वाई ये हो गया आपका एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। एस्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं, एस्टिवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज समर स्लिप। समर स्लिप मीन्स ज़्यादा गर्मी में ये अपने आप को हाइड करता रहता है, हाइड करके रखता है। और हाइबरनेशन को बोलते हैं हम लोग, हाइबरनेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द विंटर स्लिप। दैट मीन्स ज़्यादा ठंडी में ये अपने आप को क्या करता है, किसी सेफ जगह में, वार्मर प्लेस में अपने आप को डिफेंड करके लिविंग करता है। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग विच आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑलरेडी इन माई वीडियो। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि आपका क्वेश्चन बहुत ही आता है एग्ज़ाम में, बार बार आता है 1 मार्क्स के लिए, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन फ्रॉग, व्हाट डू मीन बाय पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स और कोल, पोइकिलोथर्मिक को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आता है व्हाट डू मीन बाय मिमिक्री ऑफ फ्रॉग। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय हाइबरनेशन, व्हाट डू मीन बाय एस्टिवेशन। तो एक और भी क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग, की फ्रॉग्स का आइज के बारे में, हेड के बारे में, ट्रंक के बारे में, इसके लेग्स कितना है, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है।